हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पुलिस की। तो ये है एक्चुअली लेक्चर नंबर 3.2। 3.1 कल आ चुका है, उस लेक्चर में हमने देखा था कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, कैसा होता है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, लॉ एंड ऑर्डर उन्हें किस तरीके से फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे लेवल्स होते हैं स्टेट और रेंज लेवल पे। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे, जिसमें हम कई सारे जो आर्म्ड और अनआर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो हो आपका आसाम राइफल्स हो, चाहे वो BSF हो, चाहे आपके जो हैं बाकी के जितने भी होते हैं, रॉ है, IB है, NCRB है, तो ये सब जितने भी हैं सब कुछ हम अनआर्म्ड एंड आर्म्ड फोर्सेस जो है सब डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस के डेली लेक्चर्स मिलने वाले हैं CUET PG 2024 के लिए। अगर आपने अप्लाई किया है और फॉरेंसिक साइंस कोर्स आप जो है वो ऑप्ट करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग सारे लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। पूरे महीने डेली क्लासेस यहाँ पे होने वाली हैं, तो भाई अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री ऑनलाइन कोर्स है ये, कोई चार्जेस नहीं है। एक चार्ज बस है, वो ये है कि आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही में कमेंट्स में मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और अपने डाउट्स पूछने हैं। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो भी पावर्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन की या फिर स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 246 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 246 में जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बांटी गई हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जो सेवेंथ शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दी हुई है। किसकी क्या ड्यूटी होगी, कौन क्या चीजें देखेगा, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है इन लिस्ट के अंदर। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेसेस पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, कोर्ट, प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज, बॉस्टल्स एंड अदर अलाइड इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट लिस्ट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दो दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यूनियन लिस्ट आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है लॉज बनाने की, ठीक है, लॉ, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इनके पास में जो है पावर्स है टू मेक लॉज पुलिस के लिए, पुलिस, इसके बाद में ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इनके रिगार्डिंग ये लॉज बना सकते हैं। फिर कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों के पास में जो पावर्स हैं वो है जॉइंटली बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज इन एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, ठीक है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास में ये पावर्स है कि इनके लिए ये लॉज बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही दिया हुआ है लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अंडर में। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है एक, एक होता है अनआर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं आपके वो आते हैं आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सशस्त्र सीमा बल और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, ये सब आते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। वहीं हम अनआर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो यहाँ आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो,
सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बीपीआरएनडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस वायरलेस, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ, आई थिंक तो दिख जाएगा आपको। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल, इस साइड होना पड़ेगा, नेशनल पुलिस अकेडमी, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एंड डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज DFSS, और आता है फिर आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इतने आते हैं। एक काम कर रही हूँ मैं, यहाँ पे खुद को हटा रही हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रॉपर तरीके से। मैं अपने आप को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये लो भाई, मैं यहाँ से साइड हो गई हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपरली और अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में, जहाँ भी लिख रहे हो वहाँ पे ये नोट कर लो अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे वाली स्लाइड भी दिखा रही हूँ, आगे वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये है आगे की स्लाइड, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आ जाऊंगी, मैं समझाऊंगी इसको। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर थ्री हेड्स के अंदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है ये वो दिया हुआ है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब मैं आ रही हूँ। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हम तीन हेड्स बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, और फिर आती है एजेंसीज फॉर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एंड साइंटिफिक सपोर्ट, ठीक है। इन तीन डिविजन्स के अंडर में ही हम सारी चीजें डालते हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो सिक्योरिटी देखते हैं, उसमें आता है आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ITBP, NSG, SSB और SPG। एक बात मैं बता दूं, पुलिस साइंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें पुलिस साइंस के रिगार्डिंग जो है मटेरियल नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बहुत परेशानी हो रही थी बच्चों के लिए। तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है, तो आप लोग जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे वीडियो डालने के बाद में आप कॉपी करके कोई और वीडियो डालते वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल ये मेरा पहला वीडियो है जो आपको YouTube पे मिल रहा है, बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम बात करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज की। बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसके अंडर आती हैं। फिर आती है एजेंसीज फॉर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट, जिसमें आता है आपका BPRND, फिर आता है NCRB, फिर DCPW, NPA, NICFS और DFSS, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो DFSS है यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, इसके अंडर ही सारे एफएसएस आते हैं। ये मैंने आपको जो लेक्चर 1 पढ़ाया था, लेक्चर 1 में मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें मैंने ये बताया था DFSS के अंडर में ही आते हैं सब। क्लियर हो गया ये इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की। अब BSF क्या है? BSF स्टैंड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक पैरा मिलिट्री फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या है? पैरा मिलिट्री फोर्स है। जो BSF है, 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है BSF। BSF जो है एस्टेब्लिश हुआ था December 1, 1965 में, इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई थी 1965, उसके बाद में ही ये एस्टेब्लिश किया गया था। BSF का काम क्या है? गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। BSF जो है वो हमारे देश की जो बॉर्डर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर होती है, उस वहां से जो लगी हुई बॉर्डर है, वहां पे ये जो है वहां गार्ड करते हैं। इसके बाद में ये जो एक्ट है, एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट ने 1968 में पास करा था और अफेक्ट में आया था June 9, 1969 में। ओके, अब इसके बारे में और बताती हूँ मैं। BSF के ना दो तरीके काम है, एक तो पीस मेंटेन भी करना है उन्हें, और अगर वॉर का टाइम आता है तो उन्हें वॉर भी लड़ना है। तो उनके दोनों काम है। तो इनके टास्क देखो, जब पीस का टाइम है, भाई शांतिपूर्ण माहौल है, कुछ नहीं है, कोई जंग वंग नहीं हो रही है, नॉर्मल चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है? टू प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, बॉर्डर के आसपास, ठीक है, बॉर्डर इधर से उधर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो, एग्जिट ना हो किसी का भी, ठीक है। फिर टू प्रिवेंट स्मगलिंग, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, इलीगल कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, ये भी इन्हें देखना होता है।
टू प्रमोट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो लोग बॉर्डर एरियाज पे रह रहे हैं उन लोगों को एक सिक्योरिटी की फीलिंग देना, उन्हें प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और टू हेल्प सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर्स। अगर मान लो दूसरी सिचुएशन आती है कि वॉर का टाइम है, तो वॉर के टाइम पे टू होल्ड ग्राउंड इन लेस थ्रेटेंड सेक्टर सो लॉन्ग एज टू द मेन अटैक डज नॉट डेवलप इन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब इसका मतलब ये है कि टू होल्ड द ग्राउंड इन लेस थ्रेटेंड सेक्टर, ऐसी जगह पे हो कि लोग जो है, जनरल पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। टू प्रोटेक्ट वाइटल इंस्टॉलेशंस अगेंस्ट एनिमी कमांडोज एंड पैरा ट्रूप रेड्स, ये सब इन्हें देखना होता है। अब देखो ये थ्योरेटिकली है, इसमें आपको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, जो समझाने जैसा है वो मैं यहाँ पे समझाती जा रही हूँ। तो बस आपको समझना है, पॉइंट्स नोट करने हैं और ये सब याद रखना है। अब बीएसएफ की ना कुछ रैंक्स होती हैं, मेजर जो है मेजरली यहाँ पे तीन तरीके से होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तीन तरीके से यहाँ पे होते हैं, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आप देखो इनके बैजेस दिए हुए हैं कि नॉन गैजेटेड के इस तरीके से बैजेस होते हैं, ये हो गए आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हो गए, ये हो गए सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो गए। तो इस तरीके से जो है इनका डिवीजन होता है, इनकी रैंक्स दी जाती हैं, क्लियर। अब आ जाओ दूसरा है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स हमने बीएसएफ पढ़ ली, अब सेकेंड है आसाम राइफल्स। ये जो है 1835 में फॉर्म हुआ था, इसका नाम आसाम राइफल्स पड़ा था 1917 में, पहले आसाम राइफल्स नाम नहीं था। ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का सबसे पुराना है, सबसे पहले यही बना था, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल जो है इन्हें हेड करते हैं, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट के होते हैं, ठीक है। मोस्ट सीनियर पोजीशन जो है वो फिल करी जाती है टेकिंग ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन, आर्मी में से ऑफिसर्स को लेके डेप्यूटेशन में लेके सबसे सीनियर पोस्ट को फुल किया जाता है। द फोर्स फंक्शंड अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो पोस्ट थी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में काम करती थी 1965 में, लेकिन फिर इसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में और वो फिर अब उनके अंडर में ही काम करती है। यहाँ पे द आसाम राइफल एक्ट रिलीज किया गया था 1941 में, एक आसाम राइफल एक्ट निकला था जिसके बेसिस पे अभी ये काम करती है, जो प्रेजेंटली गवर्न्स द फोर्स, जो गवर्न कर रही है अभी प्रेजेंटली इस फोर्स को। समझ में आ गया। नेक्स्ट और चीजें दी हुई है यहाँ पे, मेंटेनिंग इनके काम क्या है, फंक्शंस देख लो, मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है उनको वहां पे सिक्योरिटी देते हैं। हेल्पिंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नॉर्थ ईस्ट साइड में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे ये देखते हैं। टेकिंग काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये इनके मेन काम है, नॉर्थ ईस्ट साइड में सारे काम है। अगला आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है वो सीआरपी से ड्राइव हुआ है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है इसका मतलब, जो कि 27 जुलाई 1939 में बना था और इनके दो बटालियन है नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है, दो बटालियन है नीमच मध्य प्रदेश में। इनकी प्राइमरी ड्यूटी जो थी वो ये थी कि ब्रिटिश रेसिडेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखना, जो इंडिया में रह रहे हैं ब्रिटिश रेसिडेंट्स उनको प्रोटेक्ट करके रखना। 1949 में इनका नाम सीआरपी से बदल के सीआरपीएफ कर दिया गया, और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो जो सीआरपीएफ के ट्रूप्स थे उन्होंने पांचों के पांचों टेररिस्ट को मार डाला था, मतलब दे किल्ड ऑल द फाइव टेररिस्ट जो कि इंडियन पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके अंदर घुस गए थे, उन सबको पांचों के पांचों को वहां पर जो है They killed all the five terrorists. इसके बाद में 2008 की बात करें तो एक विंग जैसे कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा बोलते हैं, कोबरा ऐड किया गया था सीआरपीएफ में टू एनकाउंटर नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट को एनकाउंटर करने के लिए एक इन्होंने विंग बनाई जिसमें सीआरपीएफ की ही जमानत है, जिसे कोबरा बोला गया। इसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म्स ध्यान रखना, यही पूछे जाते हैं, कोबरा जो है किसका पार्ट है, कोबरा का फुल फॉर्म क्या है, सीआरपीएफ जो था पहले क्या कहलाता था, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सीआरपीएफ कब बना था, सीआरपीएफ के बटालियंस कहाँ पे हैं, यही पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको ध्यान रखना कि कोबरा जो है 2008 में बना था, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन ये इसका नाम दिया गया था, जो कि नक्सलाइट मूवमेंट को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, अब सीआरपीएफ का यहाँ पे दिया हुआ है मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी, ये इनका मोटो है।
फॉर्म्ड ये कब बना था, 27 जुलाई 1939 में। लीगल पर्सनालिटी कौन है, गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट एजेंसी है ये, ठीक है। इसके बाद में जुरिसडिक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो फेडरल एजेंसी कौन है, इंडिया हमारे देश का है। गवर्निंग बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्हें गवर्न करते हैं। कंस्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 में बना था, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। जनरल नेचर ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट और सिविलियन एजेंसीज को देखते हैं। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया सारा कुछ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे और है, इनका रोल भी दिया है, सीआरपीएफ का रोल जो है एज ऑफ 2010 की बात करें तो सीआरपीएफ लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का, एंड एक्टिवली लुकिंग आफ्टर इंटरनल सिक्योरिटी इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ही ये सिक्योरिटी को देखते हैं और ऑपरेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। किसका पार्ट है ये, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। अब देखो, इट इज परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ ड्यूटीज, बहुत सारी ड्यूटीज जो हैं, रैंकिंग फ्रॉम वीआईपी सिक्योरिटी टू इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी सिक्योरिटी से लेके इलेक्शन ड्यूटीज करने तक का इनका काम होता है, और फ्रॉम गार्डिंग द वाइटल इंस्टॉलेशंस टू द कंट्री नक्सल ऑपरेशंस भी देने देखने होते हैं। नक्सल ऑपरेशंस भी देखो, वाइटल इंस्टॉलेशंस हो रही हैं उन्हें भी गार्ड करो, वीआईपी सिक्योरिटी देना है तो भी इन्हें देना है, अगर इलेक्शन ड्यूटी है तो भी इन्हें करना है। यानी देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सीआरपीएफ ही देखता है। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पूरे देश के अंदर जो है वो यही लोग हैं। समझ में आ गया? चलो, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी आर्म्ड फोर्स पीपल और अनआर्म्ड फोर्स पीपल, क्योंकि वो जो है वो जो कर रहे हैं वो हम तो कभी नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए और आपको जो है देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। चलो, इसके बाद में CSIF क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एस्टेब्लिश हुआ था June 15, 1983 में इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया। भाई आपको ये सब चीजें जानना क्यों जरूरी है कि ये कब बना, ये हमारे यहाँ ये कौन है वो कौन है, इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। आप एक फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस स्ट्रक्चर कैसा है, आर्म्ड फोर्स क्या है, अनआर्म्ड फोर्स क्या है, क्या ये सब पुलिस कहलाते हैं, क्या ये आर्मी है, ये कौन है, हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CSIF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि 15 जून 1983 में बना था, और ये जो एक्ट के अंदर बना था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन March 10, 1969, और इसकी स्ट्रेंथ थी 2800 स्ट्रेंथ थी। और CISF was subsequently made an unarmed force of Union of India by another Act of Parliament. फिर एक और Act of Parliament बना June 15, 1983 में, जिसकी current strength है 1,65,000, ठीक है। फिर Indian Parliament on 25th February 2009 paved the way from providing Central Industrial Security फोर्स टू प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द कंट्री फॉर अ फी विद अ पासेज ऑफ CISF अमेंडमेंट बिल 2008। CISF अमेंडमेंट बिल बना 2008 में, ठीक है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही देखना है कि भाई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इंडिया में, जो बना था यहाँ पे आपका सेटअप हुआ था 10 मार्च 1969 में, 2800 की स्ट्रेंथ थी, फिर 15 जून 1983 में 1,65,000 की स्ट्रेंथ हो गई, फिर इंडियन पार्लियामेंट में जो है इन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को प्राइवेट और कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट में डाल दिया था, क्लियर। चलो आगे बनते हैं, अब हम आगे बढ़ देंगे हम इसी के बारे में और देखते हैं हम CISF के बारे में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होती है, CISF कंट्रोल एयरपोर्ट सिक्योरिटी। एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि कितने सारे ऑफिसर्स रहते हैं, वो सब CISF के ही ऑफिसर्स होते हैं जो कमर्शियल सारे कमर्शियल एयरपोर्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पास्ट में बात करी जाए तो पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस के अंडर रहती थी, ठीक है। हाउएवर फिर यहाँ पे क्या हुआ, हाईजेक हो गया, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 814 1999 में हाईजेक हो गया था, तो उसी के बाद में जो है यहाँ पे CISF को लगाया गया एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट जो है फर्स्ट एयरपोर्ट है जहाँ पे CISF का कंट्रोल शुरू किया गया था,
3 फरवरी 2000 से, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी कि ये अभी अभी ताज़ी ताज़ी ही बोल सकते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, मतलब ये समझ लो अभी क्या 2024 चल रहा है, 24 साल पुरानी यानी ज़्यादा नहीं होती है। तो जयपुर एयरपोर्ट में 1919 में जब हाईजैकिंग हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे ये सरकार ने डिसाइड करा कि भाई जो है पुलिस नहीं संभाल पा रही एयरपोर्ट पुलिस, तो इसीलिए हमें यहाँ पे CISF जो है इनके हाथों में देना चाहिए सिक्योरिटी को। तो 3 फरवरी 2000 में सबसे पहले जयपुर में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में अब जो है टोटल 58 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर दिल्ली मेट्रो। ओके, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में जो है CISF ही हैंडल करती है, ठीक है, और जो कब से गार्ड कर रहे हैं 2007 से, दे टुक ओवर फ्रॉम द दिल्ली पुलिस इन 2007। दिल्ली पुलिस से टुक ओवर करके इनने भी अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओ सॉरी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इंडियन फोर्स है, जो कि अक्टूबर 24, 1962 में आए थे फॉर द सिक्योरिटी अलोंग द इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत। इंडिया तिब्बत की जो बॉर्डर है, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, उन उस बॉर्डर पे सिक्योरिटी देने के लिए आए थे। बॉर्डर जो है करीब 2115 किलोमीटर की बॉर्डर है, उस पे देते हैं। ये एक तरीके के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं ये। ओनली 4 बटालियंस वर सैंक्शनड, इनके पास में 4 बटालियंस हैं। इसके बाद में लेटर इन व्यू एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें मिल गए थे। इसके बाद में इन्हें जो फोर्स है उन्हें रीस्ट्रक्चर किया गया था 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसी इन्हीं की बात करेंगे हम। ITBP एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जिसके प्राइमरीली 4 फंक्शन है। कौन कौन से 4 फंक्शंस है? विजिल ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन फॉर बॉर्डर वॉयलेशंस ना हो। प्रमोशन ऑफ सीन ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, भाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना के रखना लोकल पॉपुलेशन जो है उनमें। इलीगल इमिग्रेशन तो नहीं हो रहा है, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, ये देखना है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशन एंड थ्रेटन्ड VIP, थ्रेटन्ड VIP को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी देना। फिर रेस्टोर एंड प्रिजर्व ऑर्डर इन एनी एरिया, ये तो सबको करना होता है कि आपको जो है ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए, प्रिजर्व होने चाहिए और कंट्री में पीस बना रहना चाहिए, ये इनका काम है। नेक्स्ट आओ NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल फोर्स है इंडिया में दैट हैज़ प्राइमरीली बीन यूटिलाइज फॉर कंट्री टेररिज्म को बचाने के लिए, मतलब कंट्री में टेररिज्म जो है उससे लड़ने के लिए यहाँ पे की गई है। और ये बनाई गई थी, क्रिएटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट जो इंडियन पार्लियामेंट में निकाला था 1986 में, तब बनाया गया था। इट वर्क्स कम्प्लीटली विद इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर में ही ये काम करते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो है इनके स्पेसिफिक गोल क्या है, ये क्या काम करते हैं? न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना, हैंडलिंग हाईजैकिंग सिचुएशन इन एयर और लैंड। अगर हाईजैक होती है सिचुएशन, हाईजैकिंग वाली हो जाती है, चाहे वो हवा में हो चाहे जमीन पे हो, तो उन्हें वो हैंडल करनी होती है। बॉम्ब डिस्पोजल का काम, बॉम्ब ढूंढना, डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना इनका काम होता है। PBI पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट के बाद का इन्वेस्टिगेशन का काम इनका होता है। एंगेजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है, और हॉस्टेज रेस्क्यू करना भी इनका ही काम होता है। इज दैट क्लियर? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है और हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकली है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं है, सब कुछ थ्योरी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करो और जाके थोड़ा रेस्ट ले लो, पानी पी लो, मुंह धो लो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं लेंथी लेक्चर्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ। वन शॉट वीडियोज़ हैं ये, इसलिए थोड़े थोड़े से जो लेक्चर्स हैं ये बड़े लेक्चर्स हैं, तो मैं इनको प्रिपेयर करा रही हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, कि आपको जो है टाइम आपके पास कम है। वी डोंट नो कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, बट
एग्जाम डेट तो नहीं बढ़ने वाली है ये लग रहा है, तो हमारे पास में सिर्फ एक महीना है, हमें अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट करनी है एक महीने के अंदर में। तो हमारे पास में जो दिन है उसके हिसाब से मैंने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। अगर आप भी इन्हीं मॉड्यूल्स के हिसाब से चलोगे, बिना गैप लिए अगर आप ऐसे पढ़ाई करते रहोगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो है सेटअप हुआ था 28 अगस्त 1970 को। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बना था, फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये बना था। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनका मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी रोल देना। इसमें दो डिवीजन है, रिसर्च साइंटिफिक एंड पब्लिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च साइंटिफिक एंड पब्लिकेशन एंड डेवलपमेंट, ये दो डिवीजन है। इसका इवोल्यूशन क्या है, ट्रेनिंग डिवीजन 1973 में बना, फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज 1983 में, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन 1995 में, ये ऐसे जो है वो बना। फिर सेपरेशन, ICFS जिसे रीनेम करके NICF कर दिया है 1991 में जो था 1976 में हटा दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1986, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस साइंस 2003 में बना। ठीक है, ये सेपरेशन यानी कि पहले इन्हीं में होंगे फिर इनको हटा के अलग कर दिया गया, ऐसे कुछ होगा। चलो अब आ जाओ डिवीजन, प्रेजेंट में कौन कौन से डिवीजन है इसमें, रिसर्च डिवीजन, डेवलपमेंट डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, चार डिवीजन इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड किंगडम रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टेटिस्टिकल डायरेक्टरेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस, जापान में नेशनल पुलिस एजेंसी। चलो ये हो गया, अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब यहाँ पे लिखा फंक्शंस बस जान लो। अब क्या फंक्शंस होते हैं, असिस्टेंस ऑफ पुलिस रिसर्च प्रोग्राम इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इनका काम है पुलिस रिसर्च प्रोग्राम को असिस्टेंट देना, प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, स्पॉन्सरिंग एक्स्ट्रा म्यूचुअल रिसर्च, फिर वर्क रिलेटिंग टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन पुलिस रिसर्च, पार्टिसिपेशन इन सोशल डिफेंस, सोशल डिफेंस में पार्टिसिपेशन करना, क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन करना, फिर जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर, उसमें भी इनको पार्टिसिपेट करना होता है। इंडिया में मेंटेन करके रखना स्टेटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, ठीक है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ क्राइम, ये सब देखना है ना, ट्रेंड्स ऑफ क्राइम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन करना पुलिस साइंस और क्रिमिनोलॉजी के, ये उनका काम है BPRND का। क्लियर, इसके बाद में आ जाओ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज जिनेसिस इन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, SPE, ये SPE से आए हैं, 1941 में बना था टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड करप्शन। 1941 में जब ये बना था तो इनका यही काम था, घूसखोरी और जो बेईमानी हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट इनको करना है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज ऑफ वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को यहाँ पे लेके आए थे, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के समय पे ये यहाँ पे आए थे। रोल क्या है SPE का, वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड एंड बाय 1963 इट वॉज ऑथराइज, इनका काम हो गया। ठीक है, 1963 तक इनका काम हो गया ऑफेंसेस जो कि 97 सेक्शंस ऑफ IPC, अंडर 97 सेक्शंस के अंदर जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं सब कुछ इनको इन्वेस्टिगेट करने का इनका ही काम होता है। और ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड 16 अदर सेंट्रल एक्ट्स के अंडर में जितने भी आते हैं IPC में, वो भी इनको ही देखने होते हैं CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, 1963 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है CBI बनाया था 1963 में, इट वॉज ऑल्सो गिवन द वर्क ऑफ मेंटेनिंग क्राइम स्टेटिस्टिक्स, फिर वही बात, क्राइम स्टेटिस्टिक्स को मेंटेन करना, कलेक्टिंग इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राइम, वर्किंग ऑन NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ द कंट्री, फॉर द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल के लिए भी काम करते हैं यही CBI जो है, इनका ये काम होता है। प्रेजेंटली CBI में जो है कौन कौन से डिवीजन है, एंटी करप्शन डिवीजन, ऐसा सुनते ना CBI को ये केस दे दिया गया,
अब सीबीआई देखेगा, तो इनका काम यही है, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक डिफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, लीगल डिवीजन, कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, पुलिस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन, टेक्निकल डिवीजन और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो CFSL है, CFSL दिल्ली जो है वो इसी के अंडर में आती है, सीबीआई के अंडर में ही आती है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, नाम ही लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी इंटेलिजेंट लोग इसमें होने वाले हैं, तो इनका जो काम होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो सबसे पुरानी है, IB इज द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में IB सबसे पुराना है। ये एस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से बाय एन ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन लंडन ऑन December 23, 1887 में ये बना था, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 1902 and 3 इंडियन पुलिस कमीशन। द ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम कर दिया गया, ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बोलते थे, लेकिन फिर बाद में जो है इसको रीनेम करके कर दिया क्रिमिनल सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद में ग्रेजुअली द सिक्योरिटी टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ओवर शेडोइंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल वर्क, इसीलिए वर्ड क्रिमिनल वहां से हटा दिया गया और फाइनली इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, नामकरण हुआ और 1920 में इसका जो IB नाम है ये अपनाया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है बस इतना नाम इसका रख दिया। लंबी कहानी है नामकरण की। चलो इनका रोल देख लो भाई, आईबी का रोल क्या है, आईबी का रोल ना बहुत लंबा चौड़ा है एक्चुअली में, इनका रोल जो है वास्ट है, एक्सटेंसिव है, ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर करते हैं और बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स है, वो टेररिज्म हो, सबवर्जन, इंसर्जेंसी, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो सब इनको देखनी पड़ सकती है। इनका मेन टास्क जो होता है टू कलेक्ट इंटेलिजेंस अबाउट द सबवर्सिव एंड टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सिक्योरिटी बना सकता है कि भाई ये पूरा प्लान बना के दे रहे हैं कि आपको ऐसे 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 करना, ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल के आपको दे दी है, ठीक है, ये है इनका ये काम होता है। अब जब रॉ की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ना, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा आईबी सीबीआई रॉ, तो इन सब में मजा आ रहा होगा सुनने में। तो देखो रॉ की बात करें हम, तो रॉ एक्रोनिम का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ये, इंडियाज प्राइमरी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यही है। और एजेंसी प्राइमरी फंक्शन जो होता है इनका काम है फॉरेन इंटेलिजेंस, कंट्री टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन और इंडिया पॉलिसी मेकर्स को जो है एडवाइस करना और फॉरेन स्ट्रैटेजीज इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है उन पर एडवाइस करना। रॉ जो बना था ये इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में और इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1965 में, उसके बाद में रॉ को बनाया गया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, एक सेक्रेटरी रॉ होता है, ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस, एडिशनल सिक्योरिटी रॉ और DG सिक्योरिटी, ऐसे करके ये इनका पूरा जो है इस तरीके से डिवीजन रहता है। चलो रॉ एजेंट तो सुना ही होगा। इसके बाद में इनके फंक्शंस क्या है, गैदरिंग फॉरेन इंफॉर्मेशन, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर, एडवाइजिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, कवर्ट ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक असिस्मेंट टू इंडियन गवर्नमेंट, मॉनिटरिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डेवलपमेंट इन एडजॉइनिंग कंट्री, कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है यहाँ पे सप्लाई ना हो हार्डवेयर की, ये भी ये देखते हैं। अब आ जाओ NCRB, कितना बचा मैं बता दे रही हूँ, परेशान मत हो, NCRB बचा है, NICFS बचा है, NPA बचा है, बस खत्म, तीन चार चीजें ही बची हैं। तो NCRB पे हम आ गए हैं। NCRB कब बना था, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में एंड 1977 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द नेशनल पुलिस कमीशन एंड टास्क फोर्स ने रिकमेंड करा था कि NCRB बनना चाहिए। इट वॉज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के साथ में इसको कंबाइन कर दिया गया था, इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर्स की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसमें डिविजन्स हैं अलग अलग, जैसे
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ब्रांच ट्रेनिंग ब्रांच, स्टेटिस्टिकल ब्रांच, डेटा सेंटर एंड टेक्निकल ब्रांच, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में काम होता है इनका काम। देख लो, चलो मैं बता दे रही हूँ, यही बता रही हूँ, नेशनल डेटाबेस फिंगरप्रिंट का, फिंगरप्रिंट सारे क्रिमिनल्स का डेटाबेस है इनके पास, जितने भी क्रिमिनल है सबके फिंगरप्रिंट का डेटाबेस इनके पास में मिलता है। ये क्रिएट करते हैं, लीड देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ IT एप्लीकेशंस फॉर पुलिस, पुलिस के लिए IT एप्लीकेशंस बनाने में ये हेल्प करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन स्टेटिस्टिक्स ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल ऑन नेशनल लेवल, क्रिएट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। भाई इनके पास सीधी बात ये, शॉर्टकट में समझ लो, पूरा डेटाबेस है क्रिमिनल का, क्राइम का, जो एप्लीकेशंस बनी है उनका, फिंगरप्रिंट का, सारे क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट का सारा इनके पास में डेटा जो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन्हें बोलेंगे, इनके पास में सारा का सीधा डेटा प्रेजेंट है। क्लियर, बस खत्म। अब NICFS की बात करें, NICF was originally set up as a Central Institute of Criminology. ये एक इंस्टीट्यूट बना था Central Institute of Criminology के नाम से, Criminology and Forensic Science के नाम से, 1973 में, जो कि पहले BPRND का पार्ट हुआ करता था, बट प्रेजेंटली बता दूं कि ये अब नहीं है, NICFS अब नहीं है, अब NFSU जो है, NFSU अलग से बन गया है एक। द नीड फॉर सच इंस्टीट्यूट, क्यों थी नीड, जो है वो UGC नेशनल ग्रांट कमीशन के द्वारा ये इंस्टीट्यूट जो है वो बना था 1976 में ये BPRND से सेपरेट हो गया था और इंडिपेंडेंट स्टेटस बन गया था इनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेजोल्यूशन डेटेड September 25, 1976। नेक्स्ट आओ, उसके बाद में जो NICFS है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कंट्री में, जहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, वेयर क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कराई जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स को इम्पार्ट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की रेगुलर ट्रेनिंग के लिए। समझ में आ गया, ये काम था NICFS का। अब आ जाओ NPA, द अकेडमी वॉज एस्टेब्लिश ऑन, कब बनी थी, 15 सितंबर 1948 में ये अकेडमी बनी थी, वॉज नेम्ड आफ्टर इंडियाज फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम पर रखी गई थी, हु वॉज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन IPS ऑफिसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी सुना होगा, ये जो IPS ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये बनाई गई थी और इन्होंने बनाई थी। फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू आर्मी, IAS, IFS, जुडिशियरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब जो हैं ये कोर्स लेते हैं, जो अकेडमी देती है टाइम टू टाइम इन्हें कोर्स लेने होते हैं। प्राइमरी पर्पस क्या है अकेडमी का, लीडर बनाना, इंडियन पुलिस में लीडर्स बनाना, ठीक है, जो कि लीड कर सके, कमांड कर सके, जिनके पास में करेज हो, अपराइटनेस हो, डेडिकेशन हो और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्विस हो, हमें अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो उन सब के लिए जो है यहाँ पे एक प्रॉपर अकेडमी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये है NPA का काम। अब लास्ट है ये UT पुलिस फोर्स, और UT पुलिस इज द लार्जेस्ट, 14 पुलिस डिपार्टमेंट में लार्जेस्ट है ये। पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स और गार्ड्स डू नॉट कैरी वेपन्स एंड हैव नो पुलिस अरेस्ट अथॉरिटीज। बिग UTs आर डिवाइडेड इनटू जोन्स, जोन्स में डिवाइड है, हर जोन में जो है IGP होता है और जो एक DGP होता है जो सारे UT को देखता है। स्मॉल UTs आर ओनली डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिवाइड किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में SP होता है और जो UT है उसमें IGP होता है। करेंटली कंप्राइज 15 पुलिस डिपार्टमेंट थ्रू आउट द स्टेट, जिसमें 515 कमीशनड पीस ऑफिसर्स हैं एंड मोर देन 571 नॉन कमीशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रीड कर लेना, दैट इज इट, इतना ही आज के लिए, काफी लंबा लेक्चर है आई नो, और पूरा थ्योरेटिकल था, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं था, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। Is that clear? तो थोड़ा साइंस की फील्ड से बिलोंग जब आप करते हो तो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये मिस कर दोगे तो ये ना तो कहीं मटेरियल मिलता है और ना फिर हम पढ़ पाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में,
सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा तो कर लेना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे जो है पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी इसका और नोट्स बुक सारा मटेरियल वहीं मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।